हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये वाला टॉपिक देखेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर में इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के आगे में अगर हम लोग दूसरा दूसरा पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ में फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग लेते हैं कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में ये सब टॉपिक इजी है और तुम लोग पढ़े हो क्लास टेन में ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ मैं तुम लोगों को किताब में दिया हुआ है और इन एनसीईआरटी, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। द फर्स्ट इज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, वी आर स्टडिंग इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। When the object is at infinity, image कहाँ में फॉर्म होगा? The image will be formed at focus. Focus में फॉर्म होगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ये हम लोग का हो गया है सपोज स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया है, तो इमेज ये रे आ रहा है कहाँ से? बहुत दूर से रे आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी से रे आ रहा है। तो ये मिरर में टक्कर खाने के बाद कहाँ में जाएगा, कैसे करके जाएगा? ये फोकस के थ्रू से पास होगा, क्योंकि ये पैरेलल रे से। पैरेलल रे सब कैसे पास होता है? टक्कर खाने के बाद, मिरर में टक्कर खाने के बाद फोकस के थ्रू से पास होता है। ये फोकस है मतलब। ठीक है, फोकस के थ्रू से पास हो गया है और ये है हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। This is the center of curvature and this is the pole. ठीक है, तो ये पहले वाला केस हो गया है, मतलब जब हम लोग का ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है, तो दूसरा वाला केस अभी देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस व्हेन, तो इमेज हम लोग का कहाँ में फॉर्म होगा? फोकस में, फर्स्ट केस में। व्हेन द सेकेंड केस इज when the image, sorry, when the object is placed in between infinity and center of curvature को हम लोग कैपिटल सी बोल दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ में डिनोट किया था कैपिटल सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ में प्लेस किया है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस किया है। तो इसके केस में कैसा होगा डायग्राम? हम लोग का कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस अगर होता है, तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इफ दिस इज द फोकस। ठीक है, तो अभी हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ में है, मतलब इन्फिनिटी इस साइड में है और ये है हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ से अगर रे आएगा, ऐसे करके जाएगा और यहाँ में टक्कर खाएगा। टक्कर खाने के बाद कैसे पास होगा? फोकस के थ्रू से पास होगा। ये फोकस के थ्रू से पास हो जाएगा। तो दूसरा वाला रे ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग पास करवा देते हैं फोकस के थ्रू से। जो रे फोकस के थ्रू से पास हो जाता है, वो टक्कर खाने के बाद, मिरर में टक्कर खाने के बाद पैरेलल हो जाता है। किसका पैरेलल हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। तो ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का टक्कर खाने के बाद। यहाँ में टक्कर खाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो रे कहाँ में मीट कर रहा है? इस पॉइंट में मीट कर रहा है। ये दो रे टक्कर खाने के बाद इस पॉइंट में मीट कर रहा है। तो यहाँ में होगा हम लोग का इस ऑब्जेक्ट का इमेज, यहाँ में इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग ए बी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए डैश बी डैश हो जाएगा, मतलब ये इमेज है इसका। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ में फॉर्म हो रहा है हम लोग का? इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रहा है। और इमेज का साइज़ क्या होता है? इमेज का साइज़ छोटा होता है इन कॉम्पेरिजन टू ये ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज़ स्मॉल। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे द थर्ड केस, द थर्ड केस इज
when the object is placed at C, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहाँ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस करते हैं, तो उस समय हम लोगों का इमेज कहाँ में फॉर्म होगा, उस समय इमेज कहाँ में फॉर्म होगा वही देखते हैं। तो अभी हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये हम लोग का कॉनकेव मिरर हो गया है। तो अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज है, ये सी है और ये एफ है। तो यहाँ में बना दिया है हम लोग ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ में फॉर्म होगा, ये पैरेलल रेज बना दिया है। तो ये कैसे पास होगा, फोकस के थ्रू से पास हो जाएगा, फोकस के थ्रू से पास हो गया है। तो दूसरा वाला रे ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग फोकस के थ्रू से पास करवा दिया है। तो ये कहाँ में मीट करेगा, इस पॉइंट में ऐसे, मतलब ये मिरर में टक्कर खाने के बाद ये पैरेलल हो जाता है। तो हम लोग ड्रॉ कर दिया है पैरेलल रे, ठीक है। ये टक्कर खाने के बाद पैरेलल हो गया है और ये यहाँ में टक्कर खाने के बाद फोकस के थ्रू से पास हो गया है। तो हम लोग का इमेज कहाँ में फॉर्म होगा, यहाँ में ही फॉर्म होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होगा। जब हम लोग का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होता है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज पोल। सो दिस वॉज द थर्ड केस फॉर ए कॉनकेव मिरर। द फोर्थ केस, दैट इज सी, द फोर्थ केस व्हेन द, तो इमेज कहाँ में फॉर्म हो रहा है, यहाँ में देखो, यहाँ में हम लोग का ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों साइज सेम ही है। इस केस में हम लोग का दोनों साइज सेम ही होता है, ठीक है। तो दूसरा वाला केस हम लोग देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस समय कहाँ में होगा इमेज, ये इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस समय हम लोग का इमेज कहाँ में होगा वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये हम लोग बना दिया है मिरर को बना दिया है, ये हम लोग बना दिया है प्रिंसिपल एक्सिस को। दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज़ द फोकस सपोज, ठीक है। सो दिस टाइम द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस टू पोजिशन। तो यहाँ से हम लोग रे ले लिया है, ऐसे जाके टक्कर खाया है पैरेलल रेस। तो पैरेलल रे फोकस के थ्रू से पास होगा, ये फोकस के थ्रू से पास हो गया है। तो दूसरा वाला रे हम लोग ले लेते हैं, इस टाइम ये पोल में टक्कर खाया है, दूसरा वाला रे हम लोग पोल में टक्कर खा दिया, ये इस पॉइंट में बना दिया है, ठीक है। तो ये रे यहाँ से आके पोल में टक्कर खाया है, टक्कर खाने के बाद कैसे चला जाएगा, ये जितना एंगल बना के टक्कर खाया है उतना एंगल बना के ही ये चला जाएगा, मतलब ऐसे करके कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में हम लोगों का इमेज कहाँ में फॉर्म होगा, इस पोजीशन में इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों रे टक्कर खाने के बाद इस पोजीशन में मीट हो रहा है, तो यहाँ में इमेज फॉर्म होगा। इसको अगर हम लोग ए बी बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ए डैश बी डैश, दिस विल बी ए डैश बी डैश। सो द इमेज शुड बी फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये इमेज क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का साइज से ज़्यादा बड़ा होगा, इस ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा होगा। किस कौन ज़्यादा बड़ा होगा, इमेज ज़्यादा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हो गया है हम लोग का फोर्थ पॉइंट। द फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at focus। इस समय हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, तो यहाँ में अभी क्या किया है, ऑब्जेक्ट को फोकस में रख देंगे, यहाँ में इस समय हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रख देना है। तो यहाँ में हम लोग बनाते हैं डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम। So this time we are placing the object in the focus. This is the center of curvature and this is the focus. We are placing the object in the focus. तो यहाँ में क्या होगा, ऐसे पैरेलल रेस बना देते हैं, ये पास हो जाएगा कैसे, फोकस के थ्रू से पास हो गया है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला रे ले लेते हैं हम लोग, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से
आया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे आता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आता है तो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से ही वापस चला जाता है, तो ऐसे करके आता है तो ऐसे ही वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है हम लोग का, ये इमेज तत्व तो कहाँ में फॉर्म हुआ, ये दोनों हो गया है हम लोग का पैरेलल रेस, ये दोनों कभी मीट नहीं होगा, ये दोनों कभी मीट नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी में इमेज फॉर्म होगा, बहुत दूर तक जाएगा ये दोनों रेस बहुत दूर तक जाएगा, मतलब हम लोग का इमेज कहाँ में फॉर्म होगा, इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। और इमेज का साइज़ क्या होगा, इमेज का साइज़ बहुत बड़ा होगा किसके कॉम्पेरिजन में, ऑब्जेक्ट के कॉम्पेरिजन में। सो दिस वॉज दी फिफ्थ केस, सो लेट अस डिस्कस दी, लेट अस सी दी सिक्स्थ केस। ओके, द सिक्स्थ केस, सो इन द सिक्स्थ केस इफ यू सी दैट दिस टाइम वी प्रीवियसली वी हैव प्लेस द ऑब्जेक्ट, प्रीवियसली वी हैव प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द फोकस, दिस टाइम वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन द इन बिटवीन द पोल एंड फोकस, दिस टाइम विल प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द पोल एंड फोकस, सो लेट अस सी वेयर विल बी द इमेज। तो इस समय इमेज कहाँ में फॉर्म होगा, देखो यहाँ से पैरेलल रेस ऐसे जाएगा, जाके टक्कर खाएगा, टक्कर खाने के बाद कैसे पास होगा, ये फोकस से पास होगा, ऐसे पास होगा, ठीक है, ये ऐसे पास हो गया है, ऐसे करके टक्कर खाने के बाद फोकस के थ्रू से पास हो गया है, ठीक है। तो दूसरा वाला रे ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग पोल से लेते हैं, ऐसा करके पोल में जाके टक्कर खाया सपोज, ये दूसरा वाला रे, तो ये कैसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। जितना एंगल बना के टक्कर खाया है उतना एंगल बना के ये चला भी जाएगा, ठीक है। तो जब पोल में टक्कर खाता है तो ये दोनों रे को अगर हम लोग, ये दोनों रे तो कभी मीट नहीं होगा ये, क्योंकि डाइवर्जेंट रे है, ये इस तरफ में जा रहा है, ये इस तरफ में जा रहा है, ये कभी मीट होगा नहीं। तो ये दोनों रे को अगर हम लोग पीछे तरफ में एक्सटेंड कर देते हैं तो पीछे तरफ में हम लोग का इमेज फॉर्म होगा, मतलब यहाँ में इमेज फॉर्म होगा, ये इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज होगा। अगर इसका कॉम्पेरिजन में, ऑब्जेक्ट का कॉम्पेरिजन में इमेज का साइज़ बड़ा होगा, कॉम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ द इमेज विल बी बिगर, ओके। सो दिस विल बी ए वर्चुअल इमेज, दिस विल बी ए वर्चुअल इमेज, दिस इफ दिस इज ए बी, दिस विल बी ए डैश बी डैश, ओके, दिस इज ए वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस आज दिस आर द इमेज फॉर्मेशन फॉर ए कॉन्केव मिरर, बट ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म्स वॉट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कोई भी पोजिशन के लिए कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, हर समय इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज हर समय इरेक्ट होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम लोग देखेंगे, एक डायग्राम ही देखते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हर समय वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस होता है। तो सपोज है यहाँ में हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे करके हम लोग एक रे ले लिया है जो पैरेलल में टक्कर खाया है, टक्कर खाने के बाद ये कुछ ऐसा चला गया है, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, ये रे कहाँ में मीट होगा, इस पॉइंट में मीट होगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का फोकस, ये मिरर का फोकस हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल रे है, पैरेलल रे क्या हो जाएगा, यहाँ में कॉन्वेक्स मिरर में टक्कर खाने के बाद ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये कुछ कर्व है, कर्व में टक्कर खाने के बाद ऐसे चला जाएगा। तो इस रे को अगर पीछे तरफ में एक्सटेंड कर देता है तो ये पार्टिकुलर एक पॉइंट में मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस में, तो ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा, ये पॉइंट फोकस होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला रे लेते हैं हम लोग, दूसरा वाला रे कुछ अगर हम लोग ऐसे बना देते हैं पोल में टक्कर खाने के बाद ऐसे चला जाएगा, तो ये तो पोल है, ऐसे चला जाएगा टक्कर खाने के बाद। तो इन दोनों, अभी इस रे को भी हम लोग पीछे तरफ में एक्सटेंड कर देते हैं, पीछे तरफ में हम लोग एक्सटेंड कर दिया है, तो यहाँ में हम लोग का इमेज फॉर्म होगा, यहाँ में हम लोग का इमेज फॉर्म होगा, किसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा यहाँ में, ठीक है। तो ये इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है, ये इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फॉर इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ओके, एंड ए
रियल इमेज, दिस आर ऑल रियल इमेज, प्रीवियस इमेजेस व्हाट वी हैव सीन, प्रीवियस इमेजेस व्हाट वी हैव सीन, सपोज दिस इमेजेस ऑल आर रियल इमेजेस, बिकॉज रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। ये रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज होता है। और रियल इमेज मतलब क्या होता है? कोई भी ये सब देखो, ये सब रे एक्चुअली में मीट कर रहा है, ये सब रे एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो ये यहाँ में क्या बन जाता है? ये सब हो जाता है हम लोग का रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? हर समय इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ये रेस असली में मीट कर रहा है, अगर यहाँ में हम लोग अगर देखेंगे ये सब रे असली में मीट नहीं कर रहा है, एक्सटेंड करने के बाद ही यहाँ में मीट हो रहा है, ठीक है। रेस को अगर एक्सटेंड कर देंगे तभी जाके यहाँ में मीट हो रहा है, तो ये सब क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? हर समय इरेक्ट होता है, हर समय इरेक्ट होता है, खड़ा होता है। और वहाँ में रियल इमेज क्या होता है? हर समय इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।